नमस्कार, आदाब। मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूँ आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए देख, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमान जी राजेंद्र प्रसाद यादव। आप का गांव क्या है? गांव नेवढ़िया। ब्लॉक लालगंज। जनपद क्या है? मिर्जापुर। क्या समस्या है श्रीमान जी? समस्या ये है मेरा कि हमारे गांव में जो ये सुलभ शौचालय आया है, वो प्रधान हमारे जो है स्कूल में तीन स्कूल है, प्राइमरी स्कूल और GIC स्कूल और जूनियर हाई स्कूल है, उसी में बच्चों का फील्ड है और उसी में जो है पंचायत भवन का स्थान है, सबकी बाउंड्री एक है। अब पूरी बाउंड्री को जो है बाउंड्री तोड़ करके पंचायत भवन की जगह बता रहे हैं कि हम वहाँ बनवा रहे हैं, लेकिन बाउंड्री एक है और वहाँ बनना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ग्राम समाज का चीज़ है, वह GS और बंजर में बनना चाहिए। वह मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो है उनका उल्लंघन कर रहे हैं। और तो क्या आपके गांव में GS और बंजर या फिर प्रतिभूमि उपलब्ध है? जी सर, हमारे ग्राम समाज में है, GS भी है, बंजर भी है और उससे उनको वहाँ ग्राम समाज में बनवाएंगे तो लाभ होगा। यहाँ तो लड़कों को प्रदूषण पहुँचेगा, वह सब सुलभ शौचालय वहाँ बनवाने से बच्चे भी नाराज हैं। तो किस कारण वो विद्यालय में बनवा रहे हैं सामुदायिक शौचालय? वो कारण अब हमें नहीं पता है किस कारण बनवा रहे हैं सर। वो जो है मीटिंग भी नहीं किए ना, कुछ लोगों को बताया, वो चोरी से बनवा रहे थे। इसका जो है हमें अध्यापक लोग जो प्रधानाचार्य थे वो जो है लिख करके DM को दिए कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, तो हम उनके द्वारा हम लोग जाने तो हम लोग भी एप्लीकेशन डाले। हम लोग सोच रहे थे कि ये स्कूल का लाइटिंग बनवा रहे हैं, वो चोरी से बनवा रहे थे, कोई ग्राम सभा का आदमी नहीं जानता। तो आपने प्रार्थना पत्र कहाँ दिया हुआ है? हम लोग प्रार्थना पत्र दिए हैं, SDM को भी दिए और फिर वहाँ से जो है नहीं जब कुछ हुआ तो DM को दिए हैं। दो दो तीन तीन एप्लीकेशन हम लोगों के पास है। तो गांव के लोग, जो शौचालय बन रहा है तो गांव के लोग विद्यालय कैंपस में बनवाने से खुश हैं या नाखुश हैं? नाखुश हैं। अरे 55-56 लोग दस्तखत करके जो है वहाँ दिए हैं, नाखुश हैं। बच्चे स्कूल के नहीं खुश हैं, प्रधानाचार्य नाखुश हैं। मतलब कि गांव वाले चाहते हैं कि जो सामुदायिक शौचालय बन रहा है वो विद्यालय कैंपस में न बने। विद्यालय कैंपस में न बने, विद्यालय के बाहर बने। विद्यालय के बाहर बने सर, वहाँ से प्रदूषित होगा और उसका जो है वो जो गटर नाला होता है वो भी निकास नहीं है। जब वो गड्ढा भर जाएगा तो उसकी जो है बदबू देगा, वो पानी निकलने के लिए गंदगी नाली नहीं है। गांव पूर्व है, पश्चिम कॉलेज है और उसी कॉलेज में बनवा रहे हैं, क्योंकि तीन तीन कॉलेज हैं, बच्चों का फील्ड है, उसी में पंचायत भवन का जगह है, पंचायत भवन वो रिजर्व है, वहाँ पंचायत भवन बनना चाहिए। और सर उसमें ये अपने फ़ायदा के लिए बनवा रहे हैं, वहाँ इन्हीं का घर डेरा है और स्कूल में लाइट भी लिए हैं स्कूल से, और स्कूल से हैंड पाइप जो है उसमें से समरसेबुल लेकर के अपने फ़ायदा ले रहे हैं। ये अपने फ़ायदा के लिए वहाँ बनवा रहे हैं, ग्राम समाज का लोग दूर रहते हैं। आप अपना पर्चे बता दीजिए। तीन गांव का हमारा ग्राम समाज है, कनौही, राजा भुरमा और नेवढ़िया। ये नेवढ़िया अपने नज़दीकी बनवा रहे हैं, तीन गाँव के प्रधान हैं। आप अपना पर्चे बताइए फिर से। हमारा नाम श्रीमान जी राजेंद्र प्रसाद यादव, गाँव नेवढ़िया, ब्लॉक लालगंज, थाना लालगंज, तहसील लालगंज, जिला जनपद मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। तो आप चाहते हैं कि नेवढ़िया ग्राम सभा में जो सुलभ कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सामुदायिक शौचालय बन रहा है, वो विद्यालय कैंपस में न बने, कहीं अन्यत्र बने? कहीं अन्य जगह बने, वहाँ न बने सर। चाहे जहाँ बाकी बनवाएं, लेकिन वहाँ बच्चों से और गाँव वालों को प्रदूषित होगा, क्योंकि इसमें इतनी प्रदूषित से रोग फैल रहा है कि हम लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, और उसके बाद वो भी बदबू देगा तो कोरोना ही ऐसे ही जैसा ही मर्ज फैल जाएगा। वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ। साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।